नमस्कार साथियों, मैं पाठशाला रेलवे से योगेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी आपको पता है कि रेलवे ने टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाल दी। वैकेंसी में ग्रेड 1 की भी वैकेंसी है, ग्रेड 3 की भी वैकेंसी है। अगर हम लोग यहां टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9000 प्लस है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में अलग अलग तरह के डाउट है कि अगर मैं बात करता हूं कि ग्रेड 1 की, कि ग्रेड 1 में बताइए किस जोन में कितनी वैकेंसी है। फिटर की बात करते हैं कि फिटर में बताइए किस जोन में कितनी वैकेंसी है। इवन किस जोन में कितनी वैकेंसी है, यूआर एससी एसटी कैटेगरी वाइज कितनी है। जैसे कि एक बच्चा यूआर का है, वो ये जानना चाहता है कि सर मैंने फिटर से आईटीआई कर रखा है, तो बताइए फिटर से अगर मेरा आईटीआई है तो मैं किस जोन से फॉर्म भरूं, या किस जोन में ज्यादा वैकेंसी है, किस जोन में कम वैकेंसी है, बोलो भाई। इसी तरह से जितने बच्चे पीसीएम वाले हैं यानी एसएनटी डिपार्टमेंट वाले हैं, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा जो है एसएनटी से है और वो यूआर कैटेगरी से है, तो वो ये जानना चाहता है कि सर मैं कौन सा जोन चुनूं, किस जोन में मेरे पास बहुत ज्यादा भर्ती है। अब देखो है क्या, रेलवे ने ये जो डेटा दिया ना, ये डेटा इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि वो डेटा को समझना ना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसी सारे डेटा को एकदम आसान भाषा में, एकदम बहुत कायदे के साथ हम लोगों ने उतार दिया। तो पहले फटाफट जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, आप सब लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, हम सब लोग लाइव है, आगे बढ़ा जाए। मैं आप लोगों को डेटा बताऊं, हर एक एक करके जितनी भी हमारी ट्रेड है, हर एक ट्रेड का मैं यहां पर आपको कैटेगरी वाइज, जोन वाइज हर तरह का डेटा दिखाने वाला हूं। आप सब लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। देखो एक बच्चे का सवाल है कि एएलपी में जो रजिस्ट्रेशन किया था वही यूज होगा, बिल्कुल वही यूज होगा, आपको अलग से नहीं करना। देखो बहुत सारे आपके मन में सवाल है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले बच्चों क्या करें जिन्होंने डिप्लोमा और बीटेक कर रखा है। क्या कोई बच्चा जो है जिसने बीटेक कर रखा है और उसका इंटर पीसीएम से है, क्या दोनों में ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों में एलिजिबल है। बहुत सारे बेसिक साइंस और साइंस रिलेटेड सवाल है, वो सारी बातें भी मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप लोग यहां देखिए, है ना बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं, अगर हम लोग यहां बात वैकेंसी की करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 9144 वैकेंसी है। 9144 वैकेंसी में से ये 1092 वैकेंसी ये हमारा सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 1 की वैकेंसी है। 1092 वैकेंसी ये हमारे ग्रेड 1 की है, जिसमें से यूआर कैटेगरी की 530 है, एससी की 148 है, एसटी की 73 है और ओबीसी की 272, EWS की हमारी बात करते हैं तो 95। तो आप लोग पहले यह समझ लो, अगर कोई भी बच्चा ग्रेड 1 से है तो उसके लिए जनरल एससी एसटी ओबीसी EWS की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1092 में से कितनी डिग्री पोस्ट है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, बाकी 1092 इस 9144 में से 1092 घटा दो तो यहां से लेकर यहां तक की जितनी पोस्ट है ये सारी की सारी पोस्ट जो है ये ग्रेड 3 की पोस्ट है। अब ग्रेड 3 में आईटीआई आता है, अगर आईटीआई आता है तो इसका मतलब क्या है, हमें अलग अलग तरह से ट्रेड वाइज बताना पड़ेगा कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। अच्छा, अब देखो सबसे पहले फिटर की बात करते हैं, तो फिटर की धारकना टोटल 484 पोस्ट है। फिटर की 484 पोस्ट में देखिए 201 जनरल की है, 66 एससी की है, एसटी की 40, ओबीसी की 144 और ईडब्ल्यूएससी 61। तो अगर जो बच्चे फिटर ट्रेड से संबंधित है तो वो ये मान के चलो कि अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आप 201 सीट में फाइट करने वाले हो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग यहां पर एसएनटी की। ये अभी जोन नहीं है, मैं आपको जोन भी दिखाऊंगा, आगे मैंने जोन भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको पहले टोटल वैकेंसी बता दूं कि टोटल कितनी है। फिर इसके बाद अगर हम लोग एसएनटी की बात करते हैं, एसएनटी जो है यह 12 पीसीएम की पोस्ट है। अब देखो सबसे ज्यादा अगर पोस्ट की बात करते हैं तो एसएनटी की ठीक ठाक पोस्ट है, यहां पर बस 6331 नजर आ रहा है, बाकी आप एसएनटी भी देख लीजिए, हमारा 621 पोस्ट जनरल की है, एससी की 193 है, एसटी की 112 है, ओबीसी की 345, ईडब्ल्यूएस की 151, टोटल आप देखिए 1423। मेरे भाई सिर्फ एक जगह पे 1434 लिखा हुआ है, बाकी आप देख लियो 1423। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए वेल्डर की बात करते हैं, वेल्डर की, तो वेल्डर की टोटल कितनी पोस्ट है, तो टोटल पोस्ट है 423 और ये रहा हमारा कैटेगरी वाइज वेल्डर। फिर ब्लैक स्मिथी की 335 टोटल है और ये कैटेगरी वाइज है। अरे इसी तरह से हमारा ग्रेड 3 में ब्रिज हो गया, कैरिज और वेगन हो गया, फिर ट्रेन ड्राइवर हो गया, अगर किसी ने ट्रेन ड्राइवर से किया तो ट्रेन ड्राइवर की सिर्फ और सिर्फ 5 पोस्ट है, ध्यान रखिएगा टोटल, और वो भी जनरल की 5 है। फिर इसके बाद देखिए ग्रेड 3 डीजल
और डीजल में मैकेनिकल वालों की पहले इलेक्ट्रिकल वालों की बात कर दे, सबसे ज्यादा पोस्ट तो इनकी है। तो इलेक्ट्रिकल की देखा जाए तो 117 हो गया, 30 हो गया, टोटल हमारे पास 237। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल डीजल वाला है, फिर मैकेनिकल डीजल वाले की बात करते हैं। तो मैकेनिकल डीजल वालों की पोस्ट देख लीजिए कैटेगरी वाइज कितनी है और मेरे दोस्त टोटल कितनी है, आप देख पा रहे। फिर आगे बात करते हैं हम लोग यहां पर टेक्निकल ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल। और बच्चों यहां इलेक्ट्रिकल में 631 जनरल की बहुत ज्यादा पोस्ट है, 119 एससी एसटी, और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें जाती है 1434। इसके बाद आ जाइए इसी तरह से इलेक्ट्रिकल टीआरएस हो गया, ईएमयू हो गया, ये सब बहुत कम कम पोस्ट वाले हैं। हाँ ट्रैक मशीन की बात करते हैं इसमें भी बढ़िया। अच्छा अगर मैं बात करता हूं टर्नर की, बहुत सारे बच्चों का सवाल था टर्नर में, तो टर्नर में टोटल तीन पोस्ट है, तीन पोस्ट में आप देख लीजिए, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, मतलब जनरल ओडिया, एससी ओडिया, एसटीटी नहीं है, ओबीसीटी है, टर्नर की टोटल तीन पोस्ट है। ठीक है, अब आप एक और पोस्ट देखिए ट्रैक मशीन की देख लीजिए, तो ट्रैक मशीन की बात करते हैं तो 226 टोटल पोस्ट है ट्रैक मशीन की, 540 और 540 में से देखिए 226 जनरल की है, 81 एससी एसटी ओबीसी। पहले आप मुझे बताओ यहां तक बात सबको क्लियर हो गई, आप सब लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि किस ट्रेड में, मतलब कौन सी ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, अब मैं एक एक करके बात करता हूं, आप सब लोग अपनी ट्रेड भी कमेंट करके बताते रहिए कि आपकी ट्रेड क्या है ताकि हम लोग यहां पर चीजें दिखाते रहे। जैसे कि अगर मैं यहां पर एक बार सर हम इनको ट्रेड वाइज अब सीट दिखा दे, हरा चलो, तो ये अभी जो डेटा था वो मैंने आपको दिखाया ट्रेड वाइज, फिटर की सीट दिखा देते। अब देखो इस तरीके का टोटल डेटा है, ये सारा डेटा है और इसको अपने को क्या है कि अब अभी सर क्या करने वाले हैं, जितने भी बच्चे फिटर ट्रेड से हैं क्या पहले एसएनटी दिखा दे, एक एक करके सारा देख। ठीक है, पहले तो ग्रेड वन वाला ही देख लेते हैं, सबसे पहले ग्रेड वन, चलो ग्रेड वन वाला ही देख लेते हैं। ग्रेड वन यानी बीएससी बीटेक और डिप्लोमा की बात करते हैं ना, तो बच्चों ये जो ग्रेड वन है, अब आप देख पा रहे हो यहां पर ग्रेड वन की सीट में, हरा सबसे पहले आप देखिए ग्रेड वन में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो 1092 थी, मतलब अगर मैं ग्रेड वन की बात करता हूं यानी बीएससी की बात करता हूं तो बीएससी में ये यूआर है, तो यूआर की सीट लिखी हुई है अलग अलग जोन में, एससी लिखी हुई है, एसटी लिखी हुई है, ओबीसी लिखी हुई है, ईडब्ल्यूएस लिखी हुई है, सम ऑफ टोटल, इसको हमने पीपीटी में उतारा है ना। ठीक है, तो बच्चा इसी चीज को मैं आपको अब पीपीटी में दिखाता हूं, सबसे पहले ग्रेड वन वाले रुके रहेंगे, ग्रेड वन वालों के लिए सारी की सारी पोस्ट ये है। ठीक है, ये यूआर के लिए, हरा आप ध्यान से देखिए, बस अब मैं जो चीज आपको लिख के बता रहा हूं उसको ध्यान सुनिए, अगर आप लोग फॉर्म भरने वाले हैं ग्रेड वन का हरा और किस कैटेगरी से, यूआर कैटेगरी से, तो सीट देख लीजिए, बस यही स्क्रीनशॉट ले लो, यही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने से काम हो जाएगा। आप देखिए सबसे ज्यादा अगर भर्ती की बात करते कि सबसे ज्यादा भर्ती कहां है, तो मेरे भाई 68 है, कहां पर आपका, मुंबई में, तो ग्रेड वन के लिए सबसे ज्यादा पोस्ट 68 है यूआर कैटेगरी में, और वो कहां है, मुंबई में, प्रयागराज में 61 है, बिलासपुर में 45 है, अहमदाबाद में 38 है, इसी तरह से और नीचे आएंगे तो पटना में कोई सीट नहीं है, इसी तरह से यहां। तो अगर आप ग्रेड वन का फॉर्म यूआर कैटेगरी से डालने वाले हो तो आप मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना, अभी हम सारा दिखाएंगे, सारा, 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 सारा दिखाएंगे, आ जाइए फिर इसके बाद ग्रेड वन। अब ये देखो ये क्या है मेरे भाई, ये भी ग्रेड वन का है, लेकिन ये ग्रेड वन का बताइए किस कैटेगरी के लिए है, सर ये कैटेगरी है एससी, एससी, तो एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां है, मुंबई में है, अभी सब ग्रेड वन चल रहा है, ध्यान रखिए ना, ग्रेड वन मतलब डिप्लोमा बीएससी बीटेक, तो एससी कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी मुंबई में है, प्रयागराज में है, बिलासपुर में है, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको एससी कैटेगरी के लिए ग्रेड वन की सारी वैकेंसी पता चल जाएगी। ठीक है, ग्रेड वन में आईटीआई वाले भर सकते हैं, नहीं भैया ग्रेड वन में आईटीआई वाले नहीं भर सकते, आगे आइए। अब ये क्या है, तो बच्चों ये भी ग्रेड वन है, लेकिन ये ग्रेड वन जो है वो हमारा किसमें है, ये है एसटी कैटेगरी में, एसटी। अब एसटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां है, तो कहते हैं मुंबई में है 11 पोस्ट है और प्रयागराज में 10, इसी तरह से आप नीचे आते चले जाइए, सब में दिखाऊंगा, सब में दिखाऊंगा, परेशान मत होइए। और आइए फिर ये भी हमारा ग्रेड वन है, लेकिन ये ग्रेड वन किसके लिए है, सर ये ग्रेड वन ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए ठीक ठाक वैकेंसी है, मुंबई में देखिए 42 है,
प्रयागराज में 29। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है ताकि ग्रेड वन में चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबके लिए पता चल जाए। एक और बचा, फिटर सबकी बात करेंगे, फिटर डीजल मैकेनिक सबकी बात करेंगे, पहले ग्रेड वन का सारा दिखा दे। तो ये हमारा फिर से ग्रेड वन है, लेकिन मेरे भाई ये ग्रेड वन में बताइए किसके लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस में बताइए किसका है, सर प्रयागराज में 16 सीट है, मुंबई में 10, और इसी तरह से देख लो किस किस जोन में कितनी कितनी सीट है, आपको क्लियर हो जाएगा। बोलिए, अरे फिटर का भी मैं दिखा रहा हूं, सबका दिखाऊंगा। पहले आप लोग सारे के सारे बच्चे, ग्रेड वन वाले बच्चे, एक बार कमेंट करके बता दो तुम्हें ये क्लियर हो गया ना, कि अगर तुम ग्रेड वन से फॉर्म भरने वाले हो तो तुम अगर एससी कैटेगरी से हो तो तुम्हें कौन सा जोन चुनना चाहिए, यूआर कैटेगरी से हो तो तुम्हें कौन सा जोन चुनना चाहिए, कहां किस जोन में कितनी वैकेंसी है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े ना सर, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास आ जाता है फिटर, हमने 10+2 एसएनटी भी डाला है ना, हाँ ठीक है। तो बच्चा ये देखिए, ये हमारे सामने फिटर आ गया। तो बच्चों फिटर के लिए आ गया, आप फिटर वाले सुनिए ध्यान से। अरे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फिटर वाले है, यहां पर फिटर की टोटल पोस्ट कितनी थी, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, तो फिटर की टोटल पोस्ट थी 484, देख लीजिए फिटर की टोटल पोस्ट थी 484, लेकिन 484 पोस्ट में किस जोन में कितनी पोस्ट है कैटेगरी वाइज, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, तो अगर आपका आईटीआई है और आईटीआई किस ट्रेड से है, फिटर ट्रेड से है, तो बच्चों आप लोग जो फॉर्म भरोगे वो ग्रेड थर्ड का फॉर्म भरेंगे, एकदम सही है ना सर। और ये यूआर कैटेगरी की बात हो रही है, तो यूआर कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है फिटर ट्रेड वालों के लिए कहां है, अहमदाबाद 82 पोस्ट, फिर इसके बाद मुंबई में 36, और इसके बाद जो है भोपाल में 23। इसी तरह से देखिए टोटल, मतलब कुछ ही जोन है, वैसे जोन तो हमारे कह सकते 21 के आसपास थे, लेकिन यहां पर कम जोन है, तो कुछ ही जोन में फिटर की वैकेंसी है, और फिटर की सबसे कम वैकेंसी प्रयागराज में। तो अगर आप फिटर ट्रेड से हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, परेशान मत होइए। हाँ ठीक है, और आइए सर फिटर का अब कौन सा आ गया, एससी, तो ये तुम्हारा फिटर का एससी कैटेगरी का हो गया। तो फिटर की एससी कैटेगरी के लिए बताइए सबसे ज्यादा भर्ती कहां है, तो मेरे भाई ये सबसे ज्यादा भर्ती है अहमदाबाद, इसके बाद मुंबई आ गया, सिकंदराबाद आ गया। तो फिटर ट्रेड से अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप देख लीजिए कहां भर्ती ज्यादा, थोड़ा पर सेशन को शेयर भी करते रहो ताकि ज्यादातर मशीनिस्ट का बताइए, अरे सब बताएंगे, आप परेशान मत होइए, एक एक करके बताएंगे ना, मशीनिस्ट, वेल्डर, आरएसी सब बताएंगे, लेकिन थोड़ा सबर तो रखिए। ये लीजिए फिटर का एसटी कैटेगरी का हो गया, तो फिटर की एसटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा वैकेंसी अहमदाबाद में है, मुंबई में, सिकंदराबाद में, अरा और ऐसे करते करते आगे नीचे आते जाइए। ये लीजिए फिर अगला आ गया फिटर का ओबीसी, तो फिटर का ओबीसी देख लो, फिटर टू ओबीसी में देखिए अहमदाबाद में 62 है, और इसके बाद मुंबई में कितना है, 28 है, और ये हमारा कैसे तो भोपाल कोलकाता ये हो गया, ठीक है। तो फिटर का हमने एक और बचा ईडब्ल्यूएस, फिटर का ईडब्ल्यूएस बचा, हरा तो फिटर का ईडब्ल्यूएस बचा, ठीक फिटर का, अरे सारी चीजें बताइए पहले एक एक करके। तो अब देखो फिटर के ईडब्ल्यूएस में अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, सबकी हरा। तो हमने सर दो चीजें एकदम क्लियर कर दी आपकी, कौन सी दो चीजें क्लियर कर दी, हमने एक आपका ग्रेड वन क्लियर कर दिया, और दूसरा हमने ग्रेड थर्ड में पहली ट्रेड ट्रेड क्लियर कर दी है, और वो पहली ट्रेड बताइए कौन सी है, फिटर। आगे पीछे बढ़ा के वीडियो पूरा देख सकते हैं, चलो आगे बढ़ा जाए। अब आप कमेंट करके बता दो अगली कौन सी ट्रेड होनी चाहिए, तो मेरे भाई अगली जो ट्रेड होनी चाहिए वो होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल, चलिए सबसे पहले आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड की टोटल वैकेंसी देख लीजिए कितनी है सर, ग्रेड वन के लिए, मैथ के लिए भी बता दो प्लीज कुछ, देखो सिलेबस क्या है, सिलेबस कैसे पढ़ना है वो हम बाद में कभी डिस्कस कर ले रहे, अभी तो हम लोग मेन टॉपिक की बात करते हैं ना। तो जैसे अगर हम लोग ये डीजल का वाला, ठीक है, मैकेनिकल भी कर लेता हूं, ओके, हाँ मैं इलेक्ट्रिकल वाला बता रहा हूं। ये देखिए तो इसकी जो टोटल पोस्ट है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डीजल की बात करते हैं, तो डीजल में टोटल पोस्ट थी 635, और इसी 635 पोस्ट को अब हमने देखिए यहां पर किस तरह से डिफाइन किया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, तो जितने भी बच्चे इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, अरे तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित है जिसका मतलब
जिनकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। तो अगर आप युवा कैटेगरी से आते हैं मेरे भाई, तो मैंने यहां पर ग्रेड थर्ड के लिए आपको सारी की सारी वैकेंसी बताई है। अच्छा सर कहां पर तित्री है? तो आप देखिए गुवाहाटी में 132, अहमदाबाद में 83, बिलासपुर में 71, चेन्नई में 56, यानी हर एक जोन में ठीक ठाक वैकेंसी है मेरे भाई इलेक्ट्रल की। हर एक जोन में देख लीजिए ठीक ठाक वैकेंसी है। आप ये मान के चलो आपका अगर इलेक्ट्रल है तो यूआर कैटेगरी से देख लीजिए भर भर के वैकेंसी है। अच्छा अगर इलेक्ट्रल से एससी में आते हैं तो क्या होता है? तो मेरे भाई पीसीएम वालों के लिए, अरे पीसीएम वाले एसएनटी ट्रेड में आते हैं वो भी मैं बता रहा हूं, वो लास्ट में मशीनिस्ट भी बता रहा हूं, परेशान मत होइए, टर्नर भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। पहले आप इलेक्ट्रल की एससी वाले देखिए, इलेक्ट्रल की एससी के लिए गुवाहाटी हो गया, अहमदाबाद हो गया, चेन्नई, मुंबई, बिलासपुर, बच्चों ये हमारा कह सकते हो एससी कैटेगरी है फॉर इलेक्ट्रल ब्रांच। ठीक है, नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा और ऊपर कर दूं, है ना? तो ये तुम्हारा कह सकते हो फाइनली यहां तक हम लोग पहुंच रहे। सर अगर इलेक्ट्रल के बाद एसटी की बात करते, इलेक्ट्रल में एसटी की बात करते, तो इलेक्ट्रल में एसटी की बात करते हैं तो ये देखिए गुवाहाटी हो गया, चेन्नई हो गया, मतलब ये सारा डेटा ना जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उससे दिन भर बैठ के टाइप किया गया मेरे भाई, तो बहुत मेहनत लगी है इस सारा डेटा बनाने के लिए। कोलकाता की बात करते हैं, ये देखिए हरा कोलकाता की बात करते हैं, और इसी तरह से अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी है इलेक्ट्रल की एसटी के लिए। फिर इलेक्ट्रल की ओबीसी के लिए देख लीजिए, सर इलेक्ट्रल की ओबीसी के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी गुवाहाटी में 92, हरा अहमदाबाद में 43, चेन्नई में 37, इसी तरह से आगे बढ़ते चलिए। फिर इलेक्ट्रल की ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, हरा तो इलेक्ट्रल की ईडब्ल्यूएस के लिए बताइए क्या है? तो ईडब्ल्यूएस के लिए गुवाहाटी में 35, चेन्नई में 20, इसी तरह से इलेक्ट्रल के ईडब्ल्यूएस की होंगे। तीन मैंने बता दिया, फिर से बता दूं, तीन मैंने बता चुका हूं पूरे वीडियो में, ग्रेड वन के लिए पूरा बता दिया, और ग्रेड थर्ड में मैंने आप लोगों को बता दिया है एक तो फिटर पूरा कंप्लीट कर दिया, और दूसरा मैंने कंप्लीट कर दिया है इलेक्ट्रिकल। फिटर और इलेक्ट्रिकल अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग जोन मैंने क्लियर कर दिया। चलो अब आप बताओ जल्दी से आगे कौन सा चाहिए, है ना? बोले आगे कौन सा चाहिए? सर माना कि मैं सारे सवालों जवाब दूं, पहले मैं नंबर ऑफ वैकेंसी बता दूं। अगला बताइए वेल्डर है कि अगला एसएनटी चाहिए, क्या चाहिए है? तो चलो फिर हम लोग अगला वाला देखते हैं, अगली वाली सीट क्या है। तो अगली वाली जो सीट है मेरे भाई ये रहा, सर ये क्या है? ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एसएनटी वाला आ गया, बहुत ज्यादा डिमांड है भैया याले टॉपिक की, है ना? इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा इसी में आएगा। ये एसएनटी है और एसएनटी 12वीं पीसीएम से होगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल है कि सर 12वीं पीसीएम है तो क्या हम लोग बीटेक कर रखा है, हमने ग्रेड वन का जो है कह सकते हो फॉर्म डालेंगे, तो क्या 12वीं पीसीएम ग्रेड थर्ड का फॉर्म डालेंगे? बोलिए भाई 12वीं पीसीएम किस में आता है? सर 12वीं पीसीएम तो ग्रेड थर्ड में आता है। बहुत सारे लोगों ने बीएससी कर रखा होगा, वो लोग ग्रेड फर्स्ट का फॉर्म डालेंगे, तो क्या 12वीं पीसीएम ग्रेड थर्ड का फॉर्म डालेंगे? यस डालेंगे। मैं आपको बता दूं एक नोटिफिकेशन में एक लाइन लिखी हुई है कि आप जोन अलग अलग नहीं चुन सकते, एक फॉर्म में दो जोन नहीं चुन सकते, लेकिन एक जोन में अलग अलग पोस्ट जरूर चुन सकते हो, यानी प्रेफरेंस दे सकते हो। तो आपका जो सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर आपने बीएससी कर रखा है तो आप जो है ग्रेड वन का फॉर्म डालोगे? मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन बीएससी कर रखा है तो हो सकता है आपका इंटर पीसीएम से हो। तो अगर आपका इंटर पीसीएम से है तो मेरे भाई आप ना ग्रेड थर्ड का भी फॉर्म डालोगे, और ग्रेड थर्ड में ही आता है तुम्हारा एसएनटी। प्रेफरेंस डालना है, इनमें से एक ही पोस्ट मिलेगी, दोनों नहीं मिलेगी? हाँ दोनों मिले नहीं मिलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, प्रेफरेंस ही सही है सर है। चलो अभी सब बताऊंगा, ब्लैक स्मृति में बताऊंगा, पहले इधर देखिए। चलो एसएनटी में बताइए, तो एसएनटी में मैं आपको बता दूं अगर एसएनटी की बात करते तो जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां है? बिलासपुर। फिर इसके बाद देखिए सिकंदराबाद में 77 है, मुंबई में 65 है, कोलकाता में 50, अजमेर में 3। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो कि एसएनटी के लिए जनरल कैटेगरी में किस किस जोन में कितनी कितनी भर्ती है। हरा चलो, जो बच्चे सेफ जोन चाहते हैं वो तिरुअनंतपुरम का नाम याद रखेंगे, और तिरुअनंतपुरम में कितनी सीटें हैं इसको भी देखते हुए। आरएसी ट्रेड भी आएगा जितेंद्र, आप परेशान मत हो, हरा क्योंकि हमने लाइन से लगा रखा है तो नंबर आरएसी ट्रेड का भी आएगा। ठीक है ये लीजिए, तो बच्चों ये हमारा एसएनटी डिपार्टमेंट में एससी कैटेगरी का है।
तो एससी कैटेगरी में आप देखिए मुंबई हो गया, बिलासपुर हो गया, सिकंदराबाद, ये अरा इनकी टोटल हमारे पास ये नंबर ऑफ वैकेंसी हो रही। अगर आप एसएनटी में 12 पीसीएम में एससी कैटेगरी से, सर ये है 12 पीसीएम में एसटी कैटेगरी, तो 12 पीसीएम में एसटी कैटेगरी में देखिए सिकंदराबाद में 18, मुंबई में 12, बिलासपुर में 12, इसी तरह से आप नीचे आते जाइए तो अलग अलग जोन में कितनी कितनी वैकेंसी क्लियर हो जाएगा। आप लोग अपना वाला ही स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जनरल वाला लेना और एससी वाला लेना, ठीक है। और अभी एक एक करके जब एक बार पूरा हो जाएगा तो फिर से जो आप कमेंट करोगे उसके आंसर ले लेंगे, ठीक है। ये रहा सर एसएनटी में, हमने अभी दिखाया ओबी एसटी का, अब एसएनटी में आ गया है हमारे पास किसका, ओबीसी का, हरा। तो मेरे भाई एसएनटी में ओबीसी में सबसे ज्यादा वेव पोस्ट कहां है, सिकंदराबाद में है, मुंबई में है, बिलासपुर में है, इसी तरह से आप नीचे आते जाएंगे तो कम पोस्ट की ओर चले जाएंगे, ओके। चलो और आइए फिर इसके बाद सर एसएनटी में अगला क्या है, सर अगला है ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में देखिए मुंबई है, सिकंदराबाद है, इसी तरह से कह सकते हो अलग अलग जोन की नंबर ऑफ वैकेंसी लिखी हुई है। कितने खत्म हो रहे हैं, चार खत्म हो गए, ग्रेड वन, ग्रेड तीन में फिटर, ग्रेड तीन में इलेक्ट्रिकल, ग्रेड तीन में एसएनटी। बोले भाई चार खत्म हो गए, क्लियर है ना। चलो अगला देखा जाए, अगला तीसरा वेल्डर की डिमांड सबसे ज्यादा है। सर सर ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा समय चला जाएगा, ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। एक ये इलेक्ट्रिकल टीआरएस का भी है, मैं क्या करता हूँ कि एक काम करते एक इमेज में सब हो जाएगा सर। रुक जाइए सर, एक वेल्डर का हम लोग और दिखा देते हैं अच्छे से, इसीलिए तो कह रहा हूँ इसमें वेल्डर वाला शायद नहीं हुआ है, ट्रैक मशीन वाला है, ट्रैक मशीन वाला है, इसमें वेल्डर वाला मैंने नहीं किया। ओके, तो एक काम करते हैं, ट्रैक मशीन का पहले दिखा देते हैं। तो बच्चों देखो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, अब यूआर कैटेगरी में देखो ट्रैक मशीन में पटना में सबसे ज्यादा पोस्ट है, 67, भोपाल, इसी तरह से देखो अलग अलग कह सकते हो जोन में यूआर कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट है। फिर ट्रैक मशीन में एससी कैटेगरी में देख लीजिए सर, ट्रैक मशीन में एससी कैटेगरी में 29, 11, इसी तरह से ये हमारी पोस्ट है ट्रैक मशीन में, ट्रैक मशीन में पोस्ट ज्यादा है। एसटी में पटना में 14, गुवाहाटी में 6, अजमेर में 5, इसी तरह से देख लीजिए जोन। लेकिन आपको एटी चुनना, मैं पहले बता दूं, हरा जोन एट चुनना है, लेकिन आप जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग चुन सकते हैं प्रेफरेंस से। तो ट्रैक मशीन में ओबीसी कैटेगरी में देखिए, ओबीसी में देख लीजिए, हरा ओबीसी के साथ साथ ट्रैक मशीन में ईडब्ल्यूएस में देख लीजिए, तो ईडब्ल्यूएस में 25 हो गया, ये हो गया गुवाहाटी में 8, अजमेर में 8, इसी तरह से हमारा ओबीसी। ट्रैक मशीन में पटना में 25 वैकेंसी है, ठीक है। चलो सर सबसे ज्यादा डिमांड जो है ना वो वेल्डर की है, तो एक बार आप सीट खोलते वेल्डर दिला दीजिए। चलो भाई आप वेल्डर का देख लो जल्दी से, हाँ वेल्डर का देख लिए, अरे पीसीएम का कन्हैया लाल मैंने अभी दिखाया है, जिसका चाहिए सबका एक ही साथ में आ जाए। एक तो वेल्डर का दिखा दीजिए सबसे पहले, सर वेल्डर को सबसे पहले दिखाइए, फिर उसके बाद हम लोग कारपेंट्री हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, उसका देखेंगे, आरएसी का भी देखना। हाँ जितेंद्र मैंने कमेंट द्वारा देख लिया है, थोड़ा देखो ऐसे मजा नहीं आया, एक बार थोड़ा सेशन को शेयर कर दो फटाफट, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर भी कर दो, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक भी कर दे। ये किसका है सर, वेल्डर का, ठीक है भैया वेल्डर का आपके सामने खुल गया है ना, मैं ऊपर नीचे करके दिखा दूंगा सर, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। सबसे पहले आप ये लाइन देखिए, ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वेल्डर, ये सबको दिखाई दे रहा है, बोलिए सबको दिखाई दे रहा है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कहां पर क्या है सर, वो ये एक सेकेंड सर, बस एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये मैंने वेल्डर में दिखाया हुआ है, वेल्डर में जो पहली वाली लाइन है ये यू आर है, एससी, दूसरी वाली लाइन जो है ये एससीटी है, एसटी, ये एसटीटी है, ये ओबीसीटी है, और वेल्डर में ये वाली लाइन ईडब्ल्यूएसटी है। बोलो भाई लास्ट लाइन टोटल है, लास्ट लाइन जो है वो टोटल है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूं एक एक करके सर, वेल्डर में अगर सबसे ज्यादा पोस्ट की बात करते हैं तो वेल्डर में सबसे ज्यादा पोस्ट जो है वो 44 है, अगर वेल्डर में 44 पोस्ट देखी जाए तो कहां पर है, बिलासपुर में देख लीजिए, वेल्डर में 44 से कम जो पोस्ट है 27. वो 27 है, 27 पोस्ट रहा है कोलकाता में है देख लीजिए, इसी तरह से फिर हमारी वेल्डर में 27 रहा है अजमेर में, अजमेर में भी 27 है, ये रहा अजमेर, लेकिन ये यूआर कैटेगरी के लिए है, ये किसके लिए सर, ये यूआर कैटेगरी के लिए है।
बच्चों इसी तरह से एससी की बात करते हैं तो एससी में भी देख लीजिए, वेल्डर के लिए सबसे ज्यादा पोस्ट हमारा 12 है बिलासपुर। एसटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो 5 है। कहां पर है सर? सिकंदराबाद। वहां जोन लिखे हुए हैं, ये सब जोन है, ये सब जोन है, है ना। इसी तरह से ओबीसी का देख लो, सबसे ज्यादा पोस्ट जो है वो 21 है, किस जोन में? बिलासपुर में। सर थोड़ा अपसाइड हो जाइए, जोन नहीं दिखाई दे रहा। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, इसी तरह से टोटल। बोलो भैया सब तो वेल्डर का क्लियर हो गया? एक बार कमेंट करके बताओ वेल्डर का क्लियर हो गया? बड़ा कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ मैं ऊपर नीचे कर दूंगा, ठीक है। चलो भैया स्क्रीनशॉट लेना शुरू कीजिए। पता है ना पहले जनरल था, फिर एससी एसटी ओबीसी, हरा चाहे तो नहीं लिखे, नहीं लिखने के बाद ऊपर नीचे नहीं जाएगा सर, ठीक है, रहने दीजिए, रहने दीजिए, ठीक है। तो आप वेल्डर ट्रेड का है, और ये वेल्डर ट्रेड का पहले आप याला स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद और ये नीचे वाला स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मेरे हिसाब से आपने दोनों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे वेल्डर के लिए, ठीक है। अब बताओ कौन सा चाहिए? किसना चाहिए? डीजल मैकेनिक का है ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं ना, इलेक्ट्रीशियन नहीं होता भैया, इलेक्ट्रिकल से मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का मैंने पहले बता रहा था, डीजल मैकेनिक का बता देते। डीजल मैकेनिक में दो तरह, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों बताइए। डीजल मैकेनिक में इलेक्ट्रिकल, चलो एक एक करके बताते। डीजल मैकेनिक धारक ना इलेक्ट्रिकल से भी होता है, मैकेनिकल से भी होता है। अरा थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, चलो ठीक है, रहने दीजिए, रहने दीजिए सर। अरे तो बच्चों ये हमारा डीजल मैकेनिक है। डीजल मैकेनिक में सबसे पहले यूआर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस। तो डीजल मैकेनिक की बात करते हैं तो यहां टोटल वैकेंसी 100, ये इलेक्ट्रिकल का है कि मैकेनिकल का है? ये मैकेनिकल वाला है, ये मैकेनिकल वाला है, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं पहले तो चीजें, ये देखिए। तो मेरे भाई ये मैंने दिखाया हुआ है डीजल मैकेनिक मैकेनिकल से। डीजल मैकेनिक जो है ये हमारा किससे है? मैकेनिकल से, डीजल मैकेनिक। चलो अब आप देखो यहां पर साइड में क्या है सर, वहां पर जोन लिखे हैं सारे, और जोन के साथ ये नंबर ऑफ वैकेंसी है। सबसे पहले ये यूआर है, ये हमारा तो एससी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है, और मेरे भाई ये हमारा ईडब्ल्यूएस है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे ज्यादा वैसे कहां है तो यूआर में देखो सबसे ज्यादा कहां पर है, 41 पोस्ट है, और ये हमारा सिकंदराबाद है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। सर एक बार हट जाइए जरा, स्क्रीनशॉट ले ले, ले लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा। चलो अब आप बताइए आरईसी ट्रेड बता दीजिए, बहुत देर से बच्चा कमेंट कर रहा था आरईसी ट्रेड का। हरा ये लीजिए, रुकिए आरईसी ट्रेड भी बता देता हूं, आरईसी ट्रेड भी बता देता हूं, ठीक है, ये लीजिए। तो बच्चा अगर आरईसी ट्रेड की बात करते हैं तो आरईसी ट्रेड भी देख लीजिए, आरईसी ट्रेड कहा है, ये रही हमारी आरईसी ट्रेड। हरा ये रहा आरईसी ट्रेड। तो बच्चा आरईसी ट्रेड में टोटल जो है, ये थोड़ा छोटा नहीं हो रहा, हो तो रहा है सर ऐसे, ये लीजिए आपको दिखाई दे रहा होगा आरईसी ट्रेड। अरे तो आरईसी ट्रेड ये मैंने आपके सामने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन ट्रेड दिखाया हुआ है। अरे तो ये हमारा आरईसी ट्रेड क्लियर हो गया। आरईसी ट्रेड में फिर से मैं बता दूं, यहां पर शुरुआत में हमारा यूआर होता है, फिर एससी होता है, एसटी होता है, ओबीसी होता है, ईडब्ल्यूएस होता है। तो आरईसी ट्रेड की सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पर है? तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है, सबसे ज्यादा वैकेंसी 20 है, और 20 हमारी सिकंदराबाद में है, नहीं मुंबई, 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 यह हमारा आरईसी ट्रेड है, ठीक है। आरईसी में जम्मू श्रीनगर में भी 15 सीटें हैं, जो भी यूआर के डिग्री वाले हैं वो भी ध्यान रखें, 15। बिल्कुल बिल्कुल। चलो फिटर ट्रेड का बच्चा फिर से पूछ रहा है, एक काम करते फिटर ट्रेड फिर से दिखा देते। हरा तो मेरे भाई फिटर ट्रेड मैंने दिखाई थी, लेकिन अब आपकी डिमांड है तो मुझे तो दिखाना ही पड़ेगा। ये देखिए अरे आप लोग बात फिटर ट्रेड की करते हैं ना, तो फिर से देख लीजिए फिटर ट्रेड, और ऊपर, ये लीजिए और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, यहां से स्टार्ट, ये रहा फिटर ट्रेड, ये रहा फिटर ट्रेड। अब आप फिटर ट्रेड में देख लो भैया, तो फिटर ट्रेड में सबसे पहले जनरल के लिए किस जोन में कितनी भर्ती है, जनरल के लिए देख लिया
आप जो भी बच्चे हैं अपना कैटेगरी भी बताएं ताकि ज्यादा आसान हो जाएगा, अगर आप ट्रेड और कैटेगरी साथ में बताओगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप जनरल के लिए देख लो, जनरल के लिए फिटर में कहां कहां कितनी पोस्ट है, फिटर के लिए एससी में देख लो कहां कहां कितनी पोस्ट है, फिटर के लिए एसटी में देख लो कहां कहां कितनी पोस्ट है, फिटर के लिए ओबीसी में देख लो कहां कहां कितनी पोस्ट है, हरा, और फिटर के लिए ईडब्ल्यूएस में देख लो कहां कहां कितनी पोस्ट है। ठीक है, एसएनटी ना बता देते हैं सर, बहुत सारे बच्चे एसएनटी के लिए बोल रहे हैं ना, मशीनिस्ट के लिए भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, मशीनिस्ट भी अभी दिखाऊंगा, एसएनटी ऊपर था ना, ऊपर था नीचे था, इसी के तुरंत बाद था। अच्छा ठीक है सर, इस पे क्लिक करिए, एक सेकंड, इतनी वैकेंसी है अलग अलग जोन में, एससी कैटेगरी में इतनी है, एसएनटी की बात हो रही है, एसएनटी मतलब पीसीएम, एसटी में इतनी है, ओबीसी में इतनी है अलग अलग जोन वाइज है, और ईडब्ल्यूएस में इतनी है, है ना, ये पीसीएम वालों की है, एसएनटी वालों का जो मैं स्क्रीनशॉट दिखाया है। ठीक है, चलो सर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक की वो देखिए जरा पोस्ट, रुकिए एक मिनट, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक अलग से नहीं आया इस बार, वेल्डर हो गया, ब्लैक स्मिथी हो गया, हाँ ठीक है, लेकिन ये जो पोस्ट है ना सर, ब्लैक स्मिथि एसएनटी, अपने पास में नोटिस देखिए देखिए, ठीक है अभी मैं और बता रहा हूं, आप लोग कमेंट कर दीजिए, अरे बहुत सारे बोलते बोले एससी इलेक्ट्रीशियन, एक सेकंड रुक जाइए, बस मेरे को एक चीज ये बताना है कि जैसे इसमें कोई पोस्ट है ना, तो इस पोस्ट के लिए कौन कौन से लोग, जैसे अगर मैं देखूं तो ये रुक जाइए, ये जैसे भी एक बात थोड़ा ध्यान देना, जैसे भी आपका मान लीजिए ट्रैक मशीन है, तो ट्रैक मशीन में जो आप एलिजिबल है, तो ट्रैक मशीन में फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन, अरा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मोटर, मैकेनिक डीजल, अरा तो इलेक्ट्रॉनिक जो मैकेनिक वाले बच्चे हैं, जो बच्चा बोल रहा है वो ट्रैक मशीन में है, समझ रहे ना, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले बच्चे ट्रैक मशीन में है, तो ट्रेड मशीन में है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले एसएनटी भी भर सकते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले क्या भर सकते हैं, एसएनटी भी भर सकते हैं। तो आप लोग पहले ये समझ लो कि आपकी जो ट्रेड है उस ट्रेड में आप कौन कौन सी पोस्ट भर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ जाइए। ठीक है, अब जैसे कि एक बच्चा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का था, मुझे दिखाई दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक दो पोस्ट में जा सकते हैं, एक एसएनटी में जा सकते हैं और एक ट्रैक मशीन में जा सकते हैं, तो जो पोस्ट एसएनटी के लिए होगी सर, जो पोस्ट ट्रैक मशीन के लिए होगी, वो पोस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए होगी। बोलो भाई, बात सब क्लियर है ना, एक सेकेंड मैं ले लूं। सबसे पहले जो भी बच्चे अपना ट्रेड है, उनका ट्रेड है, जैसे किसी ने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से कर रखा है, किसी ने इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है, किसी ने मोटर मैकेनिक व्हीकल से कर रखा है, तो उनको सबसे पहले इस पेज पे जाना है, नोटिफिकेशन का एनेक्सर ए, एनेक्सर ए दिया हुआ है, ये आपका पेज नंबर है 18 पे, यहाँ पे जाओगे तो आपको क्या है कि यहाँ पे सारी कैटेगरी दे रखी है कि अगर जैसे मान लो आपने फिटर से, वेल्डर से, या प्लम्बर से, कारपेंटर से, या किसी अन्य आईटीआई ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कर रखा है, तो ये सारे आईटीआई के नाम पहले तो आप अपने यहाँ पे राइट साइड में देखो, जब राइट साइड में आपको अपना ट्रेड मिल जाए तो इस ट्रेड के लिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी देख लो। अब जैसे ये कैरिज एंड वैगन है, इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फिटर वाले भी कर सकते हैं, कारपेंटर वाले भी कर सकते हैं, वेल्डर वाले भी कर सकते हैं, प्लम्बर वाले भी कर सकते हैं, पाइप फिटर वाले भी कर सकते हैं, तो जो ओवरऑल कैटेगरी है उसमें आपका ट्रेड नहीं दिया हुआ है, ट्रेड आपका आपके क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है कि अगर आपने ये ट्रेड से आईटीआई कर रखा है तो ये वाली कैटेगरी में आप फॉर्म आराम से अप्लाई कर सकते हो। आप समझ गए सर, ये पोस्ट है, ये क्या है, ये पोस्ट है कि किस पोस्ट में आप अप्लाई करने वाले हैं, और ये है आईटीआई की आपकी ट्रेड एलिजिबिलिटी। तो आप ये मत सोचिए कि जैसे कि मैंने ये बोला कि भाई साहब टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड डीजल इलेक्ट्रिकल है, तो अब ये देखना होगा कि इसमें कौन से आईटीआई वाले फॉर्म भर सकते हैं।
तो इसमें जो आईटीआई वाले फॉर्म भर सकते हैं इलेक्ट्रिकल डीजल में, वो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसके अलावा मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक, इसी तरीके से जितनी भी ये ट्रेड लिखी है ये सारे के सारे ट्रेड जो है ये कह सकते हो ये वाली पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं। बोलो क्लियर है सर? मुझे लगता है कि एक इंफॉर्मेशन ये भी हम लोगों को दे देनी चाहिए। हम लोग क्या करेंगे कि एक और वीडियो अभी लेके आ जाएंगे जिसमें मैं एक तरफ सारे के सारे पोस्ट लिख लूंगा और दूसरी तरफ जो है उनकी ट्रेड लिख लूंगा, उनकी क्वालिफिकेशन लिख लूंगा, उनकी आईटीआई की ट्रेड लिख लूंगा। ठीक है, वाले कितने ट्रेड चूज कर सकते हैं, ट्विटर वाले कितने ट्रेड चूज कर सकते हैं, इस तरीके से ये। ठीक है, और जो भी आपका ये अभी डाउट है, जैसे मशीनिस्ट है, अब मशीनिस्ट में मुझे ये देखना होगा कि यहां पर मशीनिस्ट कहां पर आता है। बहुत सारे बच्चे मशीनिस्ट लिए, तो आप मशीनिस्ट को देख लेना और जहां भी मशीनिस्ट आए, अब जैसे यहां पर फाउंड्री है तो फाउंड्री वाले बच्चे जो है ये ब्लैक स्मृति वाली पोस्ट पे एलिजिबल होंगे। सर इसका हम डिटेल एकदम बढ़िया से डेटा बना के, ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने जो डेटा बनाया है वो सारा सारा डेटा टेलीग्राम चैनल में डाल दे हम लोग। हाँ ठीक है, डाल लेते हैं टेलीग्राम पे डाल लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं आप सब लोग जो है ना, ये जितना भी अभी मैंने डेटा दिखाया ना, ये सारा का सारा डेटा जो है हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। आप सब लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आप चाहे डाल दो कमेंट में। पाठशाला रेलवे एग्जाम, पाठशाला रेलवे एग्जाम ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप सब लोग क्या करो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद ये सारा का सारा डेटा जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, यहां पर टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। ठीक है सर, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, अप्लाई कर सकते हैं। देखो अभी बहुत बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से है, किसी का डिप्लोमा मैकेनिकल से, तो क्या वो ग्रेड वन में फॉर्म भर सकते हैं? अब देखो इस पर रेलवे ने अभी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन मेरी जो इंटरनल लोगों से बात पता चली है वो ये पता चली है कि इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले फिजिक्स पढ़ते हैं, और बच्चा इलेक्ट्रॉनिक और फिजिक्स ये ग्रेड वन में लिखा हुआ है कि अगर आपका डिप्लोमा और बीएससी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक और फिजिक्स से है तो आप ग्रेड वन का फॉर्म डाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले पूरा फिजिक्स पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो जब आप फॉर्म आगे भरोगे ना, तो जब फॉर्म आगे भरे तो वहां पर अगर आपका इलेक्ट्रिकल है तो आप इलेक्ट्रॉनिक वो कर लेना, अगर आपका मैकेनिकल है तो आप फिजिक्स चूज कर लेना। बात समझे ना? तो उस तरह से आप फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, पीसीएम वालों के लिए कुछ चाहिए? अरे पीसीएम वालों के लिए क्या कहना, आप बताइए पीसीएम वालों के लिए। हाँ, एसएनटी के लिए मैंने बता ही दिया क्या वैकेंसी है, और बच्चा एसएनटी के लिए वैकेंसी भी आ रही है। एक चीज और भी है, एक इंफॉर्मेशन मैं और बता दूं, ये इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा सर बच्चों को, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ प्लस कर दे बच्चों, एक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग को बताना है। बच्चा आपको पता है कि जितने भी एसएनटी और आईटीआई वाले हैं, अर्थात मैं यहां पर बात कर रहा हूं ग्रेड थर्ड की, तो बच्चों ग्रेड थर्ड के सिलेबस में एक जो बड़ी कंफ्यूजन थी, कंफ्यूजन ये थी कि 40 क्वेश्चन का साइंस आने वाला है कि बेसिक साइंस आने वाला है, ये एक बड़ी कंफ्यूजन थी कि 40 क्वेश्चन का साइंस आएगा या फिर बेसिक साइंस आएगा, यही तो एक कंफ्यूजन है। तो मेरे भाई मैं आप लोगों को बता दूं, अभी हमारे इंटरनल में जितने भी बच्चे काम करते हैं उनसे बातचीत हो चुकी है, और यहां पर ये जो 40 क्वेश्चन है ना ये साइंस नहीं आएगा, अभी ये दोबारा से सुधार के नोटिफिकेशन आ जाएगी, और नोटिफिकेशन आने के बाद ये 40 क्वेश्चन का बीएससीडी ही होगा। ठीक है, जो आपका सीबीटी 2 का पार्ट का पेपर होता था टेक्नीशियन और एलपी के एग्जाम के लिए, सेम सिलेबस आपका टेक्नीशियन का रहेगा, इसमें जो आपका मैथ है, रीजनिंग है और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है वो आपका 40 नंबर का आएगा, ना कि जनरल साइंस आएगा। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, तो मैंने आई थिंक आपको सारी बातें बता दी। सर एक काम करते हैं, हम लोग का अगला वीडियो उसी का हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी एक डेढ़ घंटे बाद, दो घंटे बाद हम लोग फिर से लाइव आएंगे, और फिर से लाइव आ जाने के बाद मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि अगर आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपका जो है फिटर है तो फिटर के लिए आप कौन सी पोस्ट में फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपका पीसीएम है, 10+2 पीसीएम है, तो कौन सी पोस्ट में आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद, साइंस रहेगा सर? नहीं बच्चा, साइंस बिल्कुल नहीं रहेगा, इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि वो 40 क्वेश्चन का ना बेसिक साइंस था, जो सीबीटी 2 का पार्ट होता है वही सिलेबस था, लेकिन वो धोखे से साइंस लिख दिया गया है क्योंकि इंटरनली बात हो चुकी है। टेक्नीशियन का फाइनल,
हाँ ठीक है, बीसीए वाले फॉर्म नहीं भर सकते भाई, बीसीए वाले एलिजिबल नहीं है, अलाउ नहीं है। डिप्लोमा मैकेनिकल से है, आप फॉर्म भरिएगा, भरते समय बस आप फिजिक्स ऑप्शन चुन लीजिएगा। क्या चुनना है? फिजिक्स, वहां पर फिजिक्स होगा, या फिर बीटेक मैकेनिकल से है तो फिजिक्स ऑप्शन चुन लीजिएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नोटिस आ गया, एक लड़का बता रहा है नोटिस आया, चलिए मैं देख के कंफर्म कर लेता हूं, है ना। जोन आप मुझे जोन बता दीजिए जरा सर, चला दिया इसको, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं ना सर। ठीक है, ओके, चंडीगढ़ जोन। बाकी ये इंफॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म कर दूंगा।